छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे एक बड़ी खबर का, जो कि डबरा से है। बंद के समर्थन में किसान उतर चुके हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने का लिए बल का प्रयोग किया है। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें भी छोड़ी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से पानी की बौछारें की जा रही हैं और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि डबरा में पुतला भी फूंका गया केंद्र सरकार का और लगातार कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भारत बंद का आह्वान किया हुआ है और सरकार की तरफ से समय दिया गया था सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम किया जा सकता है और सुबह से ही कई जगह पर इसका असर देखने को मिला। तो कई सारे ऐसे भी जिले रहे जहां पर इसका बहुत कम असर देखने को मिला, जिसमें से राजधानी भोपाल भी एक ऐसा ही जिला है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सतीश दुबे जुड़ गए हैं। सतीश, सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके थे कि किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं किया जाएगा, बावजूद इसके डबरा में बौछारें की गई और हल्का बल प्रयोग किया गया। आपको बता दूं कि भले ही शिवराज सिंह ने जिस तरह से आदेश दिए थे कि किसी तरह का किसानों पर बल प्रयोग नहीं किया जाएगा और शांतिपूर्वक किसान भी इस आंदोलन में भाग लेंगे, लेकिन मैं बता दूं डबरा में जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी किसानों के समर्थन में उतरे हैं। और इसी दौरान अग्रसेन चौराहे पर पीएम मोदी का पुतला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा दहन किया जा रहा था, जिसको लेकर जो प्रशासन है उसने पानी की बौछारें की हैं, पुतला को बुझाने का प्रयास भी किया है और कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे, जो आंदोलन कर रहे किसान थे, उनको चित्र बितर करने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो किसानों का जो आंदोलन है वो अभी भी जारी है और चालू है और पूरे शहर भर में किसान बाइक रैली और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से शहर में घूम रहे हैं। प्रशासन भी उन पर पूरी नजर बनाए हुए कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। जी सतीश, तो ये तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि जब पानी की बौछारें की गई तो भीड़ तितर बितर होती हुई नजर आई, पर जो सरकार के द्वारा वक्त निर्धारित किया गया था अब उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, 11 बज चुके हैं, तो अब आगे किस तरह का विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा डबरा में? देखिए, बिल्कुल जो किसान है अभी शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, वो शहर में घूम रहे हैं और लोगों से दुकानें और प्रतिष्ठान बंद करने की अपील कर रहे हैं। वहीं किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकारें हमारी मांगे नहीं मानती तो आंदोलन का को उग्र रूप दिया जाएगा। बड़ी संख्या में एक बार फिर यहाँ से जो है जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा और डबरा में भी जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें अभी धरना प्रदर्शन भी किसान करेंगे। और सतीश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो जशपुर से मिल रही है। जिले में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। जिले में कुछ दुकानें खुली तो कुछ दुकानें बंद दिखाई दी। बाजार बंद कराने कांग्रेस कार्यकर्ता निकलने लगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की व्यापारियों से बहस भी हुई। बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा अलर्ट देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस बंद को लेकर पहले ही साफ हो चुका था कि किसी भी तरह की जोर आजमाइश नहीं की जाएगी, पर अब जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि तीखी नोकझोंक भी हो रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता मिथिलेश साहू जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पहले ही ये साफ हो चुका था कि किसी तरह की जोर आजमाइश नहीं की जाएगी, बावजूद इसके जशपुर में नोकझोंक देखी जा रही है दुकानें बंद कराने को लेकर। जी मंदिर, मैं आपको बता दूं कि ये जशपुर का बगीचा है जहां पर सुबह से बंद को लेकर के कांग्रेसियों के द्वारा दुकान दुकान में घूम करके जोर जबरदस्ती करके दुकानों को बंद कराया जा रहा है। जबकि कई व्यापारियों का कहना है कि पहले भी कोरोना को लेकर के हमारी दुकान 2-3 महीना बंद पड़े थे और यहाँ पर शनिवार को रोज बंद रहता है, इसके बावजूद अगर आप रोज दिन हमारे दुकान को बंद कराओगे तो हमारे जीवन यापन पे असर पड़ेगा, हमारी दुकान बंद रहेंगे, हमारे बाल बच्चे कैसे पलेंगे करके इनकी बातें हो रही है और यहाँ पे अधिकारी उनको जोर जबरदस्ती करके बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो मिथिलेश, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीएम फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके वहाँ की जो जनता है उसमें खासा आक्रोश नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं पर कम तो कहीं ज्यादा इसका असर देखा जा रहा है। इसके पीछे क्या कुछ कारण बताया जा रहा है?
जी मैं आपको बता दूं कि जसपुर जिला मुख्यालय में वैसे तो हर मंगलवार को बंद ही रहता है और आज वैसे बंद का असर है, तो जिला मुख्यालय में वो कोई खास बंद का असर नहीं पड़ा है क्योंकि मंगलवार को हमेशा बंद रहता है। और जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार दुकानों में घूम रहे हैं और दुकान को बंद करने की अपील कर रहे हैं, जो नहीं बंद कर रहे हैं उनको थोड़ा सा तो मिथिलेश क्या पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि पहले ये बातें सामने आई थी कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है, उसके बाद अब जब जोर आजमाइश हो रही है तो क्या किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांग्रेस की लगातार शहर में भ्रमण कर रहे हैं, दुकान बंद करा रहे हैं। चलिए मिथिलेश, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, जो कि भानु प्रतापपुर से मिल रही है। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद के तहत किसान संगठन और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भानु प्रतापपुर और आसपास के क्षेत्र में बंद करवाया है। क्षेत्र के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद है और क्षेत्र की गोदावरी इस्पात, बजरंग इस्पात और नीको जायसवाल की लोह खदानों में भी काम बंद हो गया है। तो खबर भानु प्रतापपुर से है, जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रतिष्ठान बंद कराते हुए देखे जा रहे हैं और खदानें भी यहां पर बंद करवा दी गई हैं। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, जो अंतागढ़ से मिल रही है। भारत बंद के समर्थन में आज बंद किया गया है और किसान संगठन कांग्रेस कार्यकर्ता प्रतिष्ठान बंद करा रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद कराए जा रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का समर्थन काफी ज्यादा छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुबह सुबह सड़क पर उतर आए और बंद का समर्थन करने की अपील की गई। विधायक विकास उपाध्याय ने शांतिपूर्ण तरीके से बंद का समर्थन करने की बात कही और साथ ही सभी लोग बंद का समर्थन करें जिससे कि किसानों को अपने आंदोलन में मजबूती मिलेगी और साथ ही केंद्र सरकार को किसानों की बात मानना पड़ेगी। तो ये राजधानी रायपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर विधायक खुद सड़कों पर उतरे और उन्होंने लोगों से भारत बंद करने की अपील की और साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से ये समर्थन किया जाए ये भी कहना था विधायक जी का। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे लाइव जुड़ गए हैं। सुप्रिया, अब जो वक्त दिया गया था सरकार की तरफ से उसकी भी शुरुआत हो चुकी है, 11 बज चुके हैं, अब किस तरह का वहां पर असर देखा जा रहा है भारत बंद का? बिल्कुल, किसानों के भारत बंद का समर्थन खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है और छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन लगातार जारी है। हम राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक में मौजूद है, जहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हम कुछ प्रदर्शनकारियों से पूछते हैं कि ये जो प्रदर्शन है केंद्र को लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जिस प्रकार किसानों को बर्बाद करने के लिए 3 काले कानून बनाए गए, उसका विरोध पूरे देश के किसान कर रहे हैं और उनका समर्थन यूनाइटेड नेशन और कनाडा और ब्रिटेन के जो किसान हितैषी लोग हैं वो कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सहित 28 पार्टियां इस बात का समर्थन कर रही है कि किसानों की मांग का ध्यान दिया जाए और 3 काले कानून हटाया जाए। नरेंद्र मोदी जी अपने उद्योगपति मित्रों से रात को 3 बजे तक मिल लेते हैं, लेकिन किसानों को मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, सत्ता आते जाते रहती, मोदी जी आप किसानों की बात सुनिए और 3 काले कानून उन्हें वापस लीजिए, MSP आप देने का वादा करिए और जो किसानों के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है, बड़े ठंड में उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके परिवारों को मारा जा रहा है, उसे बंद किया जाए।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो भी मौजूद हैं, महापौर मौजूद हैं, हम विधायक से भी जानना चाहेंगे। आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के लिए, जो काला कानून जो है आपने कहा है कि काला कानून है, तो किस तरह से ये काला कानून लगता है, आप केंद्र की मोदी सरकार से क्या मांग चाहते हैं? किसानों के हित में नहीं है ये, और बड़े जो व्यापारी है, बड़े उद्योगपति है, उनको फायदा पहुँचाने के लिए इस कानून को लाया गया है, जिसके विरोध में किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां उनके समर्थन में भारत बंद के समर्थन कर रही है। हम लोग चाहते हैं कि इस काले कानून को वापस लाए, और आप देखेंगे कि उनकी पार्टी के समर्थन में जो वित्त मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, उसने सबसे पहले इस्तीफा दिया, उनकी पार्टी को छोड़ दिया। इनको समझना चाहिए इस चीज को कि इस काले कानून को वापस लेना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, उन्होंने सत्ता में आते ही किसानों का कर्ज माफ किया था, 2500 रुपए में धान की खरीदी अभी जारी है। तो छत्तीसगढ़ के किसानों को आप किस नजरिए से देखते हैं और क्या चाहते हैं? छत्तीसगढ़ के किसान जितना बोनस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया, पूरे देश में किसानों के हित में किसी ने उसका काम नहीं किया, इसीलिए हम लोग हमारे प्रदेश का समर्थन पूरा का पूरा समर्थन किसानों के साथ में है। किसानों को लेकर कि आप लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि जो है केंद्र के कृषि कानून जो है, केंद्रीय कृषि कानून को आप लोग वापस लेने के लिए आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, राज्यपाल के नाम को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन फिर भी ये असर नहीं दिखा। अब क्या मांग करेंगे कि आप लोग अब बड़े आंदोलन की तैयारी में है कि कृषि कानून वापस ले ले केंद्र सरकार? देखिए, जो आंदोलन अभी हो रहा है वो देश के इतिहास में आज तक के इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। जितने सारे लोग जब वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, देश का इतिहास है कि इतने सारे लोग इकट्ठा तक नहीं हुए। ये जो काला कानून है, ये सीधा सीधा उद्योगपतियों को पजाने के लिए, आप समर्थन मूल्य खत्म कर देंगे, आप मंडी नहीं रहेंगी। अरे जब मंडी नहीं रहेगी, समर्थन मूल्य नहीं रहेगा, तो बोनस नहीं रहेगा, तो किसान करेगा क्या? तो ये पूरे तरीके से काला कानून के विरोध में, और हम ही नहीं, अन्य देश भी, 18 देश और है जो किसानों के समर्थन में खड़ा हुआ है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जब तक के यह काला कानून, तीन कानून वापस नहीं लिया जाता, हम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। हम अभी रोडों की लड़ाई अब हम लोग लड़ेंगे। आप लोगों की सरकार ने किसानों के लिए हमेशा ही काम किया है, तो भूपेश सरकार के राज्य में किसान कितने खुश है, केंद्र की मोदी सरकार को इस माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, खुद मुख्यमंत्री है, किसान है, हमारे यहाँ किसान, मतलब हमारे यहाँ जितने भी, अगर आप कैबिनेट मंत्री भी देखेंगे तो हमारे यहाँ लोग किसान, वो जानते हैं कि किसानों को क्या दर्द होता है। इसलिए हम 2500 रुपए में धान खरीद रहे हैं, इसलिए हम 300 रुपए बोनस दे रहे हैं, 4 किस्त अभी तक के माननीय भूपेश बघेल जी दे चुके हैं। ये सीधा सीधा हमारे यहाँ, हमने तो पहले ही कहा, हमारे यहाँ तो नया कानून आ रहा है कि ये जो कानून, काला कानून आया है, हम छत्तीसगढ़ में तो लागू नहीं होने देंगे, और यही नहीं, और पूरे देश में कहीं लागू नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। आप लोगों ने विशेष सत्र भी बुलाया था, कृषि मंडी संशोधन विधेयक भी हमने पारित किया था, लेकिन राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया है, क्या लगता है वो हस्ताक्षर कर देंगे? देखिए, राज्यपाल जी को भी हस्ताक्षर करना पड़ेगा, क्योंकि जब वहाँ पर पास हुआ है, आप विधानसभा में जब पास हुआ, तो राज्यपाल को तो हस्ताक्षर उस पर करना पड़ेगा, और क्योंकि ये किसानों के हित में है, और हम तो दे रहे ना, हम माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं ना कि यहाँ पर जितने भी किसान है, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है, और यहाँ पर किसानों के हित के लिए विधानसभा में विशेष सत्र भी लाया गया था, और उसी के तहत यहाँ पर जो विधानसभा में विशेष सत्र लाया गया था, लेकिन राज्यपाल ने सुप्रिया इनसे एक सवाल कीजिए कि MSP को लेकर जो लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती आ रही है, अपने स्तर पे भी तो वो राज्य के लिए कोई कानून बना सकती है, जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा कि 2500 रुपए प्रति धान क्विंटल की खरीदी की जो शुरुआत है वो छत्तीसगढ़ में की गई थी, तो छत्तीसगढ़ की सरकार अपने स्तर पर कोई भी फायदा किसानों को यहाँ पहुँचाती हुई नहीं दिख रही है, वो सिर्फ एक ही मांग कर रही है कि जो कानून है उसको वापस लिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन सबको देखकर लगता है कि राजनीति जो है वो यह सभी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, राजनीति तो इस पर हो रही है। और आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, MSP को लेकर के जो बात आपने कही है, क्या छत्तीसगढ़ में भी अलग से MSP के लिए एक जो कानून है उसे किस तरह से मतलब बनाया जा रहा है, और क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, इसके लिए पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी एक टीम तैयार करी है, 4 लोगों की उसमें समिति में है, जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री के लोग और अधिकारी लोग साथ में है, और बहुत जल्दी उनका निर्णय भी आ जाएगा, और बहुत जल्दी MSP के जो नए नियम कानून जो है वो लागू हो जाएंगे।
तो जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने कह दिया है कि एमएसपी के लिए भी एक नए नियम लागू हो जाएंगे किसानों के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अभी भी धान खरीदी की प्रक्रिया चल रही है और किसान जो है अभी धान खरीदी कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किसानों का समर्थन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद ही किया है और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से किसानों का समर्थन भी दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसलिए यहाँ पर विरोध भी ज्यादातर नजर आ रहा है। सुप्रिया, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता का विवादित ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा जो आंदोलन के साथ नहीं वो पाकिस्तानी है। कांग्रेस प्रवक्ता के ट्वीट के बाद ये विवाद शुरू हो गया है और विरोध करने वालों को पाकिस्तानी कहा गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता का ट्वीट सामने आया है, कहा जो आंदोलन के साथ नहीं वो पाकिस्तानी है और बंद का विरोध करने वालों को। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जुड़ गए हमारे साथ में और ये जो ट्वीट है वो कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि जो भी भारत बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं वह पाकिस्तानी है। और इस विवादित ट्वीट के बाद लगातार सियासत जो है वो चरम पर पहुंची हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी द्वारा पहले ही विरोध प्रदर्शन काफी ज्यादा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि और वैभव शिव पांडे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वैभव, जो अब विवाद जो है वो सियासत का मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, अब प्रवक्ता की तरफ से इस तरह का जो विवादित ट्वीट सामने आया है उसके बाद में किस तरह की हलचल देखी जा रही है? बिल्कुल, कांग्रेस प्रवक्ता का जो बयान है वो बेहद ही जो है विवादित है और इसका किसी भी तरीके से कोई भी जो है समर्थन नहीं कर सकता। मुझे लगता है खुद कांग्रेस पार्टी इस बयान से किनारा कर लेगी अपना और का जो बयान है आरपी सिंह का वो पाकिस्तान के समर्थन करने वालों के लिए जो कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि किसानों के साथ नहीं है वो पाकिस्तान के जो है समर्थन में है, तो ये इस बयान को कतई जो है जायज नहीं ठहराया जा सकता। और मुझे लगता है कि कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने जो है बहुत ज्यादा आवेश में आकर के ये बयान दे दिया है और उन्हें इस बयान के लिए माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसानों को जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, बहुत सारे राजनीतिक दल जो है समर्थन में है और जनता भी जो है एक तरीके से किसानों के साथ में है, लेकिन ये कह देना कि जो आंदोलन के साथ नहीं है, आंदोलन के पक्ष में खड़े नहीं है वो पाकिस्तानी है, इस बयान को कतई जो है जायज नहीं ठहराया जा सकता। और मुझे लगता है कि आरपी सिंह को इस पूरे मामले में अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। वैभव, किसानों का जो मांग थी वो यही थी कि जो किसान कानून बनाए गए हैं उसको वापस लिया जाना चाहिए केंद्र सरकार को, पर जिस तरह से जो राजनीति है वो इस पर शुरू हो गई है, पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं और ही रुख लेता हुआ नजर आ रहा है। इसका कितना असर, जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है, इस पर कितना असर देखा जा सकता है? मुझे लग रहा है कि आरपी सिंह का जो बयान आया है इससे कांग्रेस पार्टी को जो है नुकसान हो सकता है, कांग्रेस के खिलाफ में बातें जा सकती है। कांग्रेस इस आंदोलन किसानों के साथ खड़ी हुई है, आज पूरे जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जो है सड़क पर उतर। यहाँ पर रोकना चाहूंगी वैभव आपको, हमारे साथ में आरपी सिंह जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद। आरपी सिंह जी, आपका ट्वीट सामने आया है, क्या लगता है कि अगर कोई समर्थन नहीं देगा तो वो पाकिस्तानी हो जाएगा? निश्चित तौर पर, देखिए मेरा स्पष्ट मानना है कि किसान इस देश का भाग्य विधाता होता है, किसान इस देश का भगवान होता है। बिना किसान के मानव सभ्यता की कल्पना नहीं कर सकते आप, अगर किसान ना हो तो जो मानव सभ्यता जो है समाप्त हो सकती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस मिट्टी से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है, वो अपने किसानों के खिलाफ आखिरकार वो खड़ा कैसे हो सकता है? जो इस देश का अनाज खाता है, जो इस देश के किसानों की पूजा करता है वो हिंदुस्तानी है, और जो इस देश का अनाज नहीं खाता पाकिस्तान का खाता है और किसानों के खिलाफ खड़ा है वो इस देश का नागरिक नहीं हो सकता, वो पाकिस्तानी। आरपी सिंह जी, जो आपके द्वारा ट्वीट किया गया है क्या इसे कांग्रेस पार्टी का ट्वीट माना जाए? ट्वीट मैंने किया है, ये ट्वीट मेरा है। अच्छा, आपका ट्वीट है। देखिए, जब बात हुई दिल्ली में किसानों से तो उनका कहना था कि राजनीति पार्टियां हमारा समर्थन करना चाहती हैं, पर किसानों की तरह समर्थन किया जाए, किसानों की तरह विरोध किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से डंडे और झंडे लेकर विरोध नहीं किया जाए। पर आज जब छत्तीसगढ़ से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वहां विरोध तो देखा जा रहा है, झंडे भी पार्टी की तरफ से लेकर लोग वहां पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता जबरन बंद करवा रहे हैं, किस तरह का विरोध है?
देखिए जो कार्यकर्ता झंडे लेकर निकले हैं उसमें पार्टी के झंडे भी हैं, देश के झंडे भी हैं। देश के झंडों से भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है, हमारे राष्ट्र प्रेम से भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। देश का किसान और कांग्रेस पार्टी देश के साथ है, देश के साथ है और देश के साथ रहेंगे। हम देश के लिए कल भी जिए थे, आज भी जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे। तो आरपी सिंह जी, ये देश का मुद्दा है और कहीं ना कहीं इसको लेकर जल्द ही हल निकाल लिया जाएगा। ये किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है, ये सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है। आप एक आतंकवादी मुल्क से तुलना कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत है? जो देश का भाग्य विधाता किसान के साथ नहीं, आतंकवादी ही तो हुआ। जो देश से प्यार करेगा वो किसान के साथ कैसे हो सकता है? मुझे तो ये बता दीजिए कि केंद्र की सरकार ने कब कहा है कि तीनों काले कानून हम वापस लेने वाले हैं? मोदी जी ने कल जब मेट्रो का उद्घाटन किया तो क्या कहा? आरपी सिंह जी, छत्तीसगढ़ में कई सारी दुकानें खुली थी, आपके कार्यकर्ताओं ने जबरन उनको बंद करवाया, तो क्या वो सब पाकिस्तानी है, सब वो आतंकवादी है? देखिए मैं अपनी बात तो सकाया, ऐसे लोग दुकान खोलने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। जो किसानों के खिलाफ बात करता है, जो किसानों के खिलाफ काले कानून बनाता है, जो उनके समर्थन में नहीं खड़ा है, उनके खिलाफ बोलता है, वो पाकिस्तानी। जी तो वैभव शिव पांडे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव, आपने सुना कि जो समर्थन नहीं कर रहा है वो पाकिस्तानी है, तो सीधे सीधे आतंकवादी मुल्क से तुलना की जा रही है भारत के नागरिकों की। बिल्कुल आरपी सिंह जी, मेरा ये सवाल है, क्या आपको इस तरीके से लिखना चाहिए? क्या आपको अगर किसी पे जो है कटाक्ष करना है तो आप सीधे उस पार्टी को करिए जिन्होंने कृषि कानून को लाया है। आप देश की पूरी जनता को लेकर के इस तरीके से ट्वीट करेंगे तो क्या इसको जायज ठहराया जाएगा? देखिए देश की पूरी जनता तो किसानों के साथ खड़ी है, मुट्ठी भर लोग जो किसानों के खिलाफ है वो पाकिस्तानी है। दूसरी बात, आप अगर मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अमित शाह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी की, उन्होंने चुनाव से पहले कहा था अगर यहाँ कांग्रेस जीतेगी तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़ेंगे? तब आपने सवाल उनसे कभी पूछा था? तो हम तो किसानों के साथ खड़े हैं, जो भी देश के किसानों के खिलाफ खड़ा है देश का नागरिक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल कांग्रेस किसानों के साथ है आरपी सिंह जी, और ये छत्तीसगढ़ में दिख भी रहा है, लेकिन आपके ट्वीट में इस बात से कहां स्पष्ट हो रहा है? आपको सीधे लिख दिए हैं कि आंदोलन के जो समर्थन में नहीं है। आप मेरे ट्वीट को फिर से पढ़िए, मैंने लिखा है कि जो हमारे देश के किसानों का उपजाया हुआ अनाज खाता है वो किसानों के पक्ष में खड़ा है। जो पाकिस्तान का उपजाया हुआ अनाज कौन खाता है देश में? देश में तो भारत के ही किसान अन्नदाता के अनाज खाते हैं, पाकिस्तान का उपजाया हुआ अनाज कौन खा रहा है ये भी आप क्लियर करिए। मैं क्लियर कर सकता, मोदी जी बिना बुलाए पाकिस्तान गए थे बिरयानी खाने के लिए, आपने उनसे सवाल पूछा था? अमित शाह ने कहा था ना कि जो कांग्रेस वोट देगा वो पाकिस्तान फटाके फूटेगा, आपने सवाल पूछा था क्या? तो पाकिस्तान हिंदुस्तान करने का ठेका बीजेपी का है, हमने सवाल उठा दिया। कांग्रेस भी इस मुद्दे को लाना चाहती है क्या कि पाकिस्तान का विषय ले आए किसानों के आंदोलन? वैभव, बीजेपी के नेता भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, श्री चंद्र सुंदरानी जी। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी अमनदीप कौर जी, आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे जोड़ा है। जी आरपी सिंह जी का ट्वीट सामने आया है, मुझे लगता है आपके संज्ञान में ही होगा कि उनका कहना है कि जो इस भारत बंद का समर्थन नहीं दे रहा है, जो किसानों का समर्थन नहीं दे रहा है वो पाकिस्तानी। आपकी रिएक्शन जानना चाहूंगी आरपी सिंह जी, फिर आपके पास आऊंगी। वो पाकिस्तान मानसिकता के लोग हैं, वो इस प्रकार का आरोप लगाए हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। देश की 130 करोड़ जनता जानती है कि पाकिस्तान की मानसिकता और पाकिस्तान के समर्थक लोग कौन है। रहा सवाल किसानों के आंदोलन का, ये हाईजेक करना चाहते हैं, किसानों के आंदोलन में घुसकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। 55 साल देश में कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार में धान का समर्थन मूल्य 1200 रुपए तक पहुंचा था। मोदी जी की सरकार 7 साल की, 6.5 साल की सरकार में धान का समर्थन मूल्य 1835 रुपए पहुंचा है। इन्होंने कभी किसानों की चिंता नहीं की मोदी जी। तो सुंदरानी जी, फिर भी तो आप किसानों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लाखों की संख्या में दिल्ली में किसान पहुंचे हुए हैं। आरपी सिंह जी आपके पास आऊंगी, आपका कहना है कि जो किसानों का समर्थन नहीं कर रहा है वो पाकिस्तानी है, तो आप बताइए कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश की यही पहचान होती है कि वहाँ पर एक ही मुद्दे को लेकर कई तरह की विचारधाराएं देखने को मिलती है, तो क्या लगता है आपको? तो आपको नहीं लगता कि ये गलत है? अगर कोई भी है तो सब, ये हमारी फ्रीडम है और ये यही लोकतांत्रिक देश की पहचान है जिसको आप फिर पाकिस्तानी बता रहे हैं? नहीं, लोकतंत्र का खतरा पैदा हुआ,
जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि पाकिस्तानी फाइटर का छोड़ने से हम लोग को पकड़ा था, खतरा नहीं आया था, एक नस मैंने दबा दी, पूरी भारतीय जनता पार्टी दिलबिला उठी। और सबसे बड़ी बात, मैंने तो अपने ट्वीट पर बीजेपी का नाम ही नहीं लिया है, तो बीजेपी सफाई क्यों दे रही है? मतलब साफ है, जो पाकिस्तान प्रेमी है वही सफाई दे रहे हैं, बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। 55 साल में किसानों का शोषण किसने किया? किसानों की आय बढ़ने का, किसानों को बर्बाद मोदी ने किया है, किसानों को बर्बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, पाकिस्तान का जो प्रेम है दिखाई दे रहा है। ये लोग अगर आज मोदी जी पे सवाल खड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से जनता इनको लगातार सबक सिखा रही है। बिहार से सबक लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश से सबक लेना चाहिए। अरे आप तो मेरे भाई से सबक ले लो, आप क्यों? अरे आप बिहार के वहां में जाएंगे क्या अगला? सुंदरानी जी, सुंदरानी जी, लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है कई सारे राज्यों में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, सब जगह जब मांग की जा रही है कानून को वापस लेने के लिए, तो फिर आप लोग क्यों मानने को तैयार नहीं है? देखिए 5 मीटिंग दिल्ली में हो चुकी है, किसान आंदोलन के नेता खुद कह रहे हैं कि बातचीत से वो संतुष्ट है, बातचीत आगे बढ़ रही है। ये किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस के लोग घुसकर इस आंदोलन को बदनाम करने में लगे। हम किसानों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं, हर चीज में किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों की आय देवड़ी हो, दुगनी हो, लागत मूल्य से दुगना पैसा किसान को मिले, ये चिंता मोदी जी कर रहे हैं। और ये कांग्रेस के लोगों ने 55 साल में किसानों का शोषण किया। ये कौन सी चिंता है जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कानून तो हम वापस नहीं लेंगे, संशोधन पे हम विचार कर सकते हैं, उसके बाद भी आप संशोधन की बात कह रहे हैं? आप एक चीज यहाँ पर क्लियर कीजिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि कानून से किसानों को फायदा होगा, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि संशोधन के बारे में सोच सकते हैं, तो क्या मतलब आप खुद भी इस चीज को लेकर श्योर नहीं है? देखिए ये विधेयक, ये कानून पूरा किसानों के पक्ष में, उसके बाद भी अगर एक दो बिंदुओं पर किसानों को आपत्ति है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बातचीत करने के लिए राजी है, बात कर रही है, लगातार बैठकें हो रही है, समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग कहीं ना कहीं आंदोलन को भी बदनाम करने में लगे हुए हैं। मंदीप जी बीच बोलना चाहूंगा मैं जी। देखिए मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ श्री चंद इसका साफ साफ जवाब देंगे। मैं इन काले कृषि कानूनों से ऐसा कौन सा खुफिया फायदा होने जा रहा है जो न देश की जनता को पता है न किसानों को पता है, सिर्फ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है? वो कौन सा खुफिया फायदा है जिससे देश की जनता नहीं समझ पा रही, पत्रकार नहीं समझ पा रहे हैं, देश का मतदाता नहीं समझ पा रहा है? मैं आरपी सिंह जी आपसे सवाल करना चाहता हूँ, 55 साल में धान का समर्थन मूल्य 1200 रुपए तक पहुंचा और मोदी जी की सरकार में धान का समर्थन मूल्य 1835 तक बढ़ा, तो ये कौन सी सरकार किसानों की हित की है, कौन सी सरकार किसान विरोधी है, आरपी सिंह जी बताने का काम करेंगे? 55 साल में सुंदरानी जी एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन नेशन टू मार्केट क्यों फिर यहाँ पर? हाँ निश्चित रूप से हम इस राष्ट्र में एक कानून एक विधान होना चाहिए, हम ये मानते हैं किसानों का भी, किसानों का उपज का मूल्य अधिक मिले उसके लिए पूरे देश की मंडियां खुली रहे, किसान को विकल्प होने चाहिए, किसान किसी पे हर जगह आत्मनिर्भर होना चाहिए किसान, यह हमारी सरकार चाहती है। वैभव भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वैभव आप कोई सवाल यहाँ पर करना चाहेंगे? मेरा सवाल है सुंदरानी जी से। सुंदरानी जी, पिछले कई दिनों से लगातार बातचीत हो रही थी किसान संगठनों से आप लोगों की, उसके बावजूद 8 दिसंबर को भारत बंद हो जाना, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को फेल रही है इस पूरे मामले में? देखिए किसानों से हमारी बातचीत चल रही है, इस बीच किसान आंदोलन के बीच में ऐसे विरोधी लोग, तो जो सरकार विरोधी लोग इस किसान आंदोलन में घुस रहे हैं, उसके वजह से ये बंद का निर्णय लिया गया है। किसान संतुष्ट था बातचीत से, बातचीत के दौर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं किसानों की जो आशंकाएं दूर करने का कोशिश आप दूर नहीं कर पा रहे ना, आप दूर नहीं कर पा रहे सुंदरानी जी, दूर कर पाते तो आंदोलन ही नहीं होता आज भारत बंद की। गुमराह करके किसानों को आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है। सुंदरानी जी,
पुश्तों से जो लोग किसानी करते हुए आ रहे हैं, क्या उनको किसानी की इतनी भी नॉलेज नहीं है कि कोई भी पार्टी आएगी और उनको बरगला कर चली जाएगी? देखिए, स्वाभाविक होता है, कुछ चीजें दिमाग में भरी जाए तो भर जाती है, अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग में आ जाती है। ठीक है, विपक्ष में बैठी कांग्रेस की सरकार ने उनको भ्रमित कर दिया, बरगला दिया, पर अब सत्ता पक्ष में रहकर उसको किसानों को फायदे नहीं गिना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो फेलियर आपका भी है। देखिए, किसानों को फायदा होगा, हम निश्चित रूप से किसानों के बीच में जाकर किसानों से बात कर रहे हैं, किसानों की समस्याओं को सुनकर। दिल्ली में जो किसान बैठे हुए हैं, 13 दिन उनको हो चुके हैं, आप उनको तो समझा नहीं पाए अभी तक, आप कह रहे हैं कि देश के किसानों को आप समझाएंगे। आरपी सिंह जी, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी इस पर, फिर मैं आती हूँ आपके पास सुंदरानी जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ऐसा काला कानून जो इस देश में एमएसपी को समाप्त कर देगा, जो इस देश में मंडी को समाप्त कर देगा, जो इस देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को सामने लेके आएगा, ये कानून, फिर से कहता हूँ, सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं है, इस देश के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ है, पूरे देश को अंबानी अडानी क्यों आवाज इसको लेकर नहीं उठाई? कानून बन गया जब किसानों का इसको लेकर विरोध सामने आया, उसके बाद में फिर कांग्रेस इसका समर्थन करने लगी, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी पार्टियां भी सेक रहे, रोटियां भी सेक रही है, और वो रोटियां फूल भी रही हैं। देखिए देखिए, आप पत्रकार हैं, आपसे सवाल पूछने नहीं चाहिए, आपने देखा राज्यसभा में क्या हुआ जी? ध्वनिमत से बिना चर्चा के प्रस्ताव पारित होता है, ऐसा काला कानून जो देश को हमेशा के लिए बदल देगा, उस पर सरकार इतनी डरते, और इतना कायर प्रधानमंत्री जो पत्रकारों से बात नहीं करता है, विपक्षी दलों से बात नहीं करता है, अगर ये कानून किसानों के पक्ष में था, किसानों के हित में था, नरेंद्र मोदी ने किस किसान संगठन से बात की? अगर बात नहीं की, इसका मतलब नहीं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले भी इसको लेकर कई सारे संगठनों से चर्चा हुई थी, उसके बाद बनाया गया है। नाम सार्वजनिक कर दीजिए, आप नाम सार्वजनिक कीजिए, किस इसका जवाब देने पहले सुंदरानी जी से, क्योंकि बीजेपी तो बार बार कह रही है कि चर्चा हुई थी, उसके बाद ही कानून आया है। बोलने वाले बाद इनका नाम ही है बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी। सुंदरानी जी, ये भारतीय झूठ पार्टी हमें बोलते, झूठ खुद बोलते। 2013 में राहुल गांधी जी का क्या बयान था? राहुल गांधी जी ने कौन से नीतियां बनाने की बात की थी? कौन से कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इसी टाइप के कानून की बात की थी? झूठ ये बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं। इन्होंने देखा किसानों राज्यसभा में लोकसभा में पास हुआ, उस वक्त क्यों नहीं आंदोलन किया इन्होंने? इनको अपने आप में विश्वास नहीं था। ये कुछ राज्यों के किसानों ने आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन को एक सहारा बनाकर ये पूरे देश में किसानों को बरगलाना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई बात नहीं करेगी जिसमें किसानों का हित हो। हमने एमएसपी खत्म करने की बात कहाँ कही? हमने मंडियां खत्म करने की बात कहाँ कही? ये बार बार इस बात को गुमराह कर रहे हैं कि ये मंडियां खत्म कर देंगे, एमएसपी खत्म कर देंगे। इस विधेयक में, इस कानून में कहाँ लिखा है कि मंडियां समाप्त हो? सुंदरानी जी, कानून में तो ये भी नहीं लिखा कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा, तो किसान यही तो विरोध कर रहे हैं ना कि आप हमें लिखित में दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि सरकारें बोलती कुछ है और बाद में करती कुछ और है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्वजन हिताय के काम करती है, किसानों को भगवान मानती है, किसानों की आय बढ़े इस बात की चिंता है, किसानों की चिंता भारतीय जनता पार्टी। वाकई में सुंदरानी जी, कुछ ज्यादा ही आप लोगों को चिंता है कि 13 दिन से बॉर्डर पर किसान वहां पर मौजूद है, आपकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसके बाद में भी तो मीटिंग होती है तो उसमें भी गैप दे दिया जाता है 2 दिन का 3 दिन का। चलिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ में आरपी सिंह जी भी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया, और संवाददाता यहाँ पर वैभव से पांडे भी जुड़े हुए थे, सुप्रिया पांडे भी जुड़ी हुई थी। सुप्रिया, वैभव, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। Ha ha ha!